ये इंटरव्यू हमें दे दे ठाकुर, इन्होंने मेरा अपहरण किया, अपहरण कि शेर की सवारी और हमारी यारी मुश्किल से मिलती है किसी किसी को, ये हमारा घर है और हम यहाँ के दीपक ठाकुर। वाह 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 वाह, ये द जेड प्लस है और जेड प्लस के दीपक ठाकुर हैं जी। बिल्कुल नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस और आज हमारे साथ बिहार के आन बान शान दीपक ठाकुर, जो कि बिग बॉस में रनर अप रह चुके हैं। जैसा कि हमने वादा भी किया था आपसे कि द जेड प्लस पे आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम दीपक ठाकुर को लेकर के आएंगे, अभी जब बिग बॉस से जीत करके आए हैं तो ये पहला इंटरव्यू हमारे साथ है। सबसे पहले अब दीपक, इस सफर के बारे में बताइए बिग बॉस में। जी, बहुत 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 ज़्यादा मतलब मुश्किलों से भरा रहा सफर, और पहले तो इतने सारे ऑडिशंस दे के कॉमनर वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद जो अलग अलग भांति भांति के टास्क वहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं, हाथ छिलता है जिसमें पाँव छिलता है, कंधा भी मेरा डिसलोकेट हुआ, कमर में चोटें आईं, मुंह पे लात पड़ी तो पूरा मुंह अंदर से फटा, तो इन सारी परिस्थितियों टॉर्चर टास्क हुआ, तो उसमें 30-40 मिर्चें खानी पड़ी, करेले का जूस पीना पड़ा, पूरा करेला खाना पड़ा, उसके बाद मतलब तो टोबैस्को, मतलब कि ऐसा कुछ बचा नहीं जिसमें एक होता है ना कि कंफर्टेबल महसूस हो, तो ऐसा कुछ नहीं बचा, सब में एकदम कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सब कुछ परफॉर्म करना पड़ा। लेकिन हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं, हमारे जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने दबा दबा के बहुत चौड़े से वोट किया, बहुत सपोर्ट किया, सीना गदगद हो गया कि दीपक इन लोगों की बदौलत और पूरे भारतवासी की बदौलत टॉप 3 तक पहुंचा। आपकी वहां पे कुछ कुछ लोगों से एज अ गेम में अनबन भी होती थी, तो ऑफ कैमरा या फिर एज अ गेम में वो लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते थे? जी, जैसे सुशांत भाई से या दीपिका जी से या जसलीन जी से, इन लोगों से, देखिए गेम होता है जब टास्क होता है, जब आपको उनके अपोजिट रखा जाता है, जब वो उस टास्क में आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो प्रतिद्वंदी से जब आदमी लड़ता है तो केवल जीत के लिए लड़ता है, सेकंड पे आने के लिए कोई नहीं लड़ता रेस में, तो वो भी फर्स्ट आने के लिए मेरे बारे में कमियां गिना रहे हैं बता रहे हैं, हम भी फर्स्ट आने के लिए उनके बारे में कमियां गिना रहे हैं बता रहे हैं, तो ये कभी कभी कोई कोई होता है इंसान की चीज़ों को दिल पे ले लेता है और वो जाने में टाइम भी लगता है। लेकिन सुशांत भाई से जैसे हमारा अनबन हुआ, झगड़ा झंझट हुआ, लेकिन वो गाना के बहुत शौकीन है, मैंने उन पर गाना बनाया, वो भी वो बहुत पसंद किए। उसके बाद हमने उनको मतलब टास्क वास्क में भी, जब भी वो लो फील करते थे, जैसे कैप्टनसी में मैंने एपी फिच अपने कैप्टनसी में जो कैप्टन होता है वही एपी फिच पीता है, लेकिन मैंने चोरी करके सबसे पहले एपी फिच उनको पिलाया, 3-4 बोतलें पिलाई मैंने एपी फिच की उनको, तो वो हमारा बॉन्डिंग था, इमोशनल बॉन्डिंग था, और वो एक बहुत जेन्यून बॉन्डिंग था जो शो के बाद भी रहा, और हम आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा गाना हम लोग साथ में मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, जो कि उनके फिल्मों में भी आएंगे और सिंगल भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। पहले और अब के दीपक ठाकुर में लोगों के बीच में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको जनता देख रही है, जनता भीड़ में आप जा रहे हैं, तो कैसे उस चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं? जी, पहले लोगों को बताना पड़ता था कि हम वो दीपक ठाकुर हैं, अब लोग बताते हैं कि ये वो दीपक ठाकुर है जो बिग बॉस में आया है, तो यही अंतर है। जैसे जब मतलब खाली हाथ पहुंचे थे बिग बॉस के घर में और दोनों मुट्ठी भर के लाखों फैंस और उनकी दुआएं और उन्होंने जो प्यार दिया भर भर के, एकदम झोला भर के, और जिस तरीके से हमारे गाने को सपोर्ट किया, जिस तरीके से पसंद किया, जेन्युइनली उनके कर्जदार हो गए हम, और ये कर्ज शायद कभी ना उतरे, और हम चाहते हैं कि ये कर्ज और चढ़े और चढ़ता रहे, और ये अच्छा वाला कर्ज है, इसका टेंशन नहीं है दिमाग में कि किसी को चुकाना है, प्यार से चुकाना है, बस अच्छे अच्छे गाने बनाना है और उनको एंटरटेन करना है, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे वो अगर एज ए कॉमेडियन अगर कुछ हो, या एज ए होस्ट, या एज ए दोस्त, या जो भी कहिए, मतलब दीपक किसी भी फील्ड में अब तैयार है जाने के जी, बिल्कुल दीपक मिसाइल बन चुका है, लॉन्च होने के लिए तैयार है, अब ये डिपेंड करता है कि जो भी हमारे बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े कर्ता धरता हैं कि आप दीपक को किस वे में लॉन्च करना चाहेंगे जनता के सामने में, जो जनता को पसंद आए। अच्छा, दीपक ने हमारे जेड प्लस के इंटरव्यू में एक बार कहा था कि अब उनकी उस समय उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो क्या बिग बॉस से जीत करके आने के बाद दीपक को गर्लफ्रेंड का ऑफर आ रहा है, लड़कियों का ऑफर आ रहा है? जी देखिए,
दिखने में तो आप भी बहुत स्मार्ट लगते हैं और बहुत स्मार्ट है, तो क्या आप ये आप लपेट के सवाल मेरे ऊपर चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बिग बॉस के घर में ऑलरेडी एक लड़की को हम पसंद किए थे जिनका नाम सोमी खान था। पिताजी सिरे से नकार चुके हैं उस रिश्ते को, बोले बेटे सुधर जाओ, ये सब इन सब से बाहर निकलो, ये सब मोह माया है, करियर पे ध्यान दो। तो अभी इन सारी चीजों से दूर दीपक एकदम एक तरीके से समाधि वाले जोन में है, केवल जहाँ पे वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, अपने म्यूजिक पे फोकस कर रहा है, गाने कंपोज करेगा, अच्छे अच्छे बनाएगा और लोगों तक वो पहुंचाएगा, जिससे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले। तो अब सोमी का सबसे बड़ी बात नहीं हो रही है या चोरी छुपे बात हो रही है पापा के डर से? नहीं नहीं, सोमी खान का आज ही फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले, उनसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई और हम लोग आगे बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। अच्छा, आप लोग आगे सब। तो पटना में जो आपको प्यार मिला वो वहाँ के लोगों को शेयर किया आपने, जो बॉलीवुड में और भी लोग हैं जिनसे आपकी इंटरेक्शन हुई? जी बिल्कुल, करणवीर वोहरा, उनसे उनको मैंने बताया, दीपिका जी जो शो जीती अभी बिग बॉस का, उनको मैंने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा नज़ारा बदला हुआ है, यहाँ पे लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। तो वो बोली कि हाँ बेटा तुम तो अब चौड़े से घूमो एकदम, हम कह दीदी अब घूम भी नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा, वो तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छा फीलिंग है जनरली, ये सब फर्स्ट टाइम ये सब देख के बहुत सॉलिड फील हो रहा है। अच्छा, जेड प्लस के लिए आप कुछ विश कर सकते हैं जेड प्लस के लिए? बिल्कुल, जेड प्लस बहुत सॉलिड चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत शिद्दत से लोग लगे हुए हैं और बहुत जेन्यून खबर बताते हैं चलाते हैं। इनकी मेहनत को जितने कम समय में इन लोगों ने उस बुलंदी को छुआ है अपनी जेन्यूनिटी की वजह से, उसको सलाम है। और देखने वाले जितने भी दर्शक हैं इनके, एकदम इनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा काम करते हैं लोग तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाइए। और नया साल है तो आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए चिल मारिए। तो एक क्वेश्चन है मेरे पे, बिग बॉस में एपिसोड्स भी बस एक घंटे का होता था, बाकी टाइम बिग बॉस में क्या होता था वो वो तो 40 मिनट का वो लोग एडिट करके दिखाते हैं, 24 घंटे का रहता है उसमें नोक झोंक चिल्लम चीट। ऑफ कैमरा क्या होता है दीपक वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कैमरा नहीं, वो शूट नहीं होता प्रॉपर, क्योंकि वो 150 कैमरा उस घर में लगे हुए। अब 150 कैमरा लगे हुए, अब 24 घंटे आप लोग जैसे बिहेव करते जिस तरीके से, उसी में जो मिर्च मसाला जो भी ऐसा कंटेंट लगे जो दर्शकों को इंटरटेनिंग लगेगा वो कट करके एडिट करके वो दिखाते हैं। जैसा कि बाहर में एक हल्ला भी है, लोगों ने हवा बना रखा है कि वो बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। नहीं नहीं, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड का एस भी नहीं है, एक बिहारी वहाँ जाके अपना देख के पूरा अपने हिसाब किताब अच्छे तरीके से रह गया है 4 महीने, पता है अच्छे तरीके से, जानते सभी को बता दे बिहारी भाइयों को, स्क्रिप्टेड का एस भी नहीं है वो शो, एकदम रियलिटी शो है तो एकदम रियल है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। चाहे वो लोगों का बिहेवियर हो जो चेंज होता है, वो उनका अपना तौर तरीका है, वो अपना सोचते हैं कि कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है, कब किस चीज़ पे गुस्सा, जो हर्ट होता है वो गुस्सा होते हैं नहीं होते हैं, वो उनका फैसला होता है। शो वालों का या कुछ इस तरीके का स्क्रिप्ट नहीं भेजा जाता हमको, जैसे हमको कोई स्क्रिप्ट नहीं भेजा गया था कि बेटा हल्दी लो और मुँह में ऐसे लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल वो अपना वो मेरा अपना वो अपना मतलब वो था। सलमान खान ने जब एक लास्ट क्वेश्चन, सलमान खान ने जब कहा एक बिहारी सब पे भारी, उस समय कैसा फील हुआ? सीना चौड़ा हो गया गर्व से कि हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं जो उम्मीद लगा के टीवी पे बैठ के हमको देख रहे होंगे, उनको वो फील हो रहा होगा कि चलो यार एक बंदा अपने बीच से निकल के, मतलब एक छोटे से गाँव से निकल के वहाँ पहुँचा है और सलमान खान के सामने में खड़ा है और सलमान खान खुद बोल रहे हैं एक बिहारी सब पर भारी। तो आप जो स्टीरियोटाइप थॉट रखते हैं कि बिहारी बिहारी होते हैं, उनके लिए बस एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए। जेन्युइनली बिहारी जो होते हैं वो बिहारी होते हैं, और हमने एक गाना भी बनाया था कि शेर की सवारी और हमरी यारी, मुश्किल से मिलती है किसी किसी को, एक बिहारी है सब पे भारी, ना है मालूम तो गूगल करो इसको, बात है कुछ ऐसी हमारे अपने संस्कार हैं, बात है कुछ ऐसी हमारे अपने संस्कार है, अपनी मिट्टी से बाबू हमको बहुत प्यार है। जय बिहारी जय, जय जय बिहारी जय, जय जय बिहारी जय, जय जय बिहारी जय बिहारी। तो हम उम्मीद करते हैं दीपक आने वाले टाइम में बहुत आगे जाए, इन फ्यूचर अच्छा करते हैं, तो ये हमारे साथ भी उस चीज को शेयर करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले इनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जिस शिद्दत से काम करते हैं अपन भी वही हैं, उसी शिद्दत से हमने टास्क परफॉर्म किया, ये भी अपना टास्क बहुत शिद्दत से परफॉर्म करते हैं, तो इनके लिए सलाम है और आप लोग के लिए भी सलाम। हमने बहुत मेहनत से दीपक ठाकुर को गाड़ी में कैच किया है भाई, ये भी इन्होंने मेरा अपहरण किया, अपहरण ठीक है, हम इन्होंने सीधे अंदर मुंह पकड़ के बांध के लाए, हुड देख रहे हैं ना,
ये ऐसे और बस ऐसे करे और कहे बस पहुंचो गाड़ी में, और बस इन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो हमारा एक डायलॉग है जो बिग बॉस घर में बहुत सॉलिड फेमस हुआ था, हम बताना चाहेंगे आप लोगों की, ये हमारा घर है और हम यहाँ के दीपक ठाकुर। वाह 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 वाह, ये द जेड प्लस के दीपक ठाकुर हैं। जी बिल्कुल, ये इंटरव्यू हमें दे दे ठाकुर। अच्छा, ये इंटरव्यू आप ही कराएगा। जी जी, कोई गाना सुना दीजिए आखिर। हाँ, एक नया कुछ अगर जी गाना 28 फरवरी को फिल्म आ रही है हमें तुमसे प्यार कितना, उस फिल्म में हमारा ये गाना होगा जो बिग बॉस में एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ। ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे, ओरे पिया रे ओरे पिया रे ओरे पिया रे मोरे प्यारे की ओरे प्यारे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ये गाना जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी अपने कुछ फीलिंग्स याद आने लगते हैं। उसको दबा दीजिए, उसको दबा दो। ये गाना वैसे सबसे पहले आपने डेजर्ट प्लस गाया था जी? हमको याद नहीं है कहाँ कहाँ गाया था हमने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now